हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज डेमोक्रेसी प्रेजेंट डे वर्ल्ड. इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के बारे में रीड करेंगे. 1949 जो कि कब बनकर तैयार हुआ था, 1949 में. आर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉज. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है. जो भी रूल्स रेगुलेशन या लॉ बनाए गए हैं हमारे लिए, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 15 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देखिए जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वह हमें हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती. किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ द बर्थ के प्लेस पर. इट स्टेट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. इसके कुछ पॉइंट्स हैं. नाउ वी रीड अबाउट. फर्स्ट इज द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth of any of them. देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट पॉलिसीज होती है, वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. किसके आधार पर? किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बर्थ और प्लेस, चाहे उसका बर्थ और प्लेस कुछ भी हो, ऑफ एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती. सेकंड इज नो सिटीजन शॉल ओनली वन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लियाबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस विद रिगार्ड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. मतलब कोई भी व्यक्ति आपको इन जगहों पर जाने से नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी शॉप पे जा सकते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हो, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेन, इन सब में जा सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बी द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बॉथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस, आप सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कुएँ हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड्स हो एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, पब्लिक रिसोर्ट हो, मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे उसका बर्थ कहीं भी हो, इन सबका उपयोग कर सकता है. थर्ड पॉइंट इज नथिंग इन द आर्टिकल्स शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन. देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह क्या बना सकती है, वुमेन्स और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बना सकती है. फोर्थ, नथिंग इन द आर्टिकल और इन क्लास ऑफ 2 ऑफ आर्टिकल 29 विच स्टेट दैट नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. इस आर्टिकल के क्लास 2 के तहत कोई भी इंस्टीट्यूट आपके बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी लिंग के हो, आपका आज बर्थ कहीं भी हुआ हो. मेंटेन बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है किसके लिए स्पेशल एड या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती है, जो कि ट्राइब्स होती है, शेड्यूल कास्ट, इन सबके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करती है एजुकेशन का. फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती है उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रिजर्वेशन के ऑप्शंस देती है. ये कौन करता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है. कीपिंग इन माइंड द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग प्रिविलेजेस हैव बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन. हमें आर्टिकल 15 को हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे संविधान ने हमें आर्टिकल 15 प्रोवाइड किया है और इसके तहत हमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं इंडियन सिटीजन्स को. एवरीवन इज इक्वल एज पर द रूल ऑफ लॉ. मतलब
कानून की नज़र में हर व्यक्ति एक है, चाहे वह इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन पीपल, लॉ रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए इक्वल है। सेकंड इज एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, और भारत के सभी नागरिक पब्लिक प्लेसेस है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल एक जैसे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। थर्ड इज अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिस्ड, मतलब भारत में जो स्वतंत्रता के पहले या बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, टचेबिलिटी या छुआछूत माना जाता था, अलग अलग कास्ट में डिवाइड था हमारा, हमारी जो सोसाइटी थी अलग अलग कास्ट में डिवाइड थी, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद जो अनटचेबिलिटी है वह एबोलिश कर दी गई, मतलब छुआछूत नाम की जो बुराई थी, एक इविल था सोशल इविल, इसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट प्रिविलेजेस इज द लॉ एंड सम स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज टू इंश्योर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए हमारी सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, किसके लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो कि बैकवर्ड क्लास है, जो कि माइनॉरिटीज़ है, उनको इक्वल करने के लिए या उनमें इक्वालिटी लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है, बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं। रेम्स एंड आर मेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफिस एटसेट्रा टू इंश्योर दैट फिजिकल चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग। देखिए जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर रैंप बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इंश्योर दैट फिजिकल चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग, मतलब जो फिजिकली चैलेंज या जो डिजेबल लोग होते हैं वह इजीली कहीं भी जा सके, बिल्डिंग में इजीली घूम सके, इसके लिए रैंप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील या मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की जाती है। रन स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन रिसीव एडोकेट न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो, क्योंकि जो पुअर क्लास बच्चे होते हैं, बैकवर्ड क्लास बच्चे होते हैं, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता घर में, उनके लिए न्यूट्रिशन डाइट का अरेंजमेंट करती है। कौन करता है ये अरेंजमेंट? गवर्नमेंट करती है। दिस स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन तमिलनाडु, और यहाँ जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैन टेक एडमिशन इन प्राइवेट रन पब्लिक स्कूल्स इन देयर नेबरहुड। देखिए जो बच्चा इकोनॉमिकली वीक होता है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, आस पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं।